ज़बरदस्ती, अगर मैं कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ फिर भी अगर ज़बरदस्ती मुझे वो चीज़ सुननी पड़ रही है तो ये चीज़ गलत है। और रोज़ अगर कोई नहीं सुनना चाहता है और उसे एक तय समय पर कोई भी अजान अगर सुनाई जाती है और वो नहीं चाहता है सुनना, तो ये गलत है। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, आप प्रतिदिन नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अजान चाहते हैं, तो आप अपने इकट्ठा हों और पढ़े ना, बंद कमरे में पढ़े। जो नहीं सुनना चाहता है उसको सुनाने के देखिए, किसी को भी ज़बरदस्ती, अगर मैं कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ फिर भी अगर ज़बरदस्ती मुझे वो चीज़ सुननी पड़ रही है तो ये चीज़ गलत है। और रोज़ अगर कोई नहीं सुनना चाहता है और उसे एक तय समय पर कोई भी अजान अगर सुनाई जाती है और वो नहीं चाहता है सुनना, तो ये गलत है। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, आप प्रतिदिन नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अजान चाहते हैं, तो आप अपने इकट्ठा हों और पढ़े ना, बंद कमरे में पढ़े। जो नहीं सुनना चाहता है उसको सुनाने की क्या ज़रूरत है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक दिन एक ही स्थान पे यदि आप रोज़ कोई मंत्र पढ़ो तो यूं ही आपका जीवन में मुक्त हो जाओ, आप कल्याण हो जाए आपका। तो इसी प्रकार ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, एक ही दिन एक ही समय पर एक ही मंत्र सुनना। तो अगर कोई नहीं सुनना चाहता है, कोई दूसरे धर्म को मानता है और वो दूसरे मंत्र पढ़ता हो, दूसरा धर्म के ग्रंथ पढ़ता हो, वो नहीं सुनना चाहता है, तो ज़बरदस्ती उसे सुनाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि अगर सारी चीज़ें नियम से होनी चाहिए, जो नियम में है वो होना चाहिए। वो तो अब जब नहीं सुना जा रहा है, ये इसको नहीं रोका जा रहा है, तो उसके विरोध में पढ़ रहे हैं। उसका विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है। ये कोई नियमित चली आ रही चीज़ नहीं है, ये उसका एक विरोध करने का तरीका है किसी का, ताकि ध्यान आकर्षण का एक प्रकार से तरीका है। तो मुझे तो लगता है कि जो भी नियम में हो वो होना चाहिए। यदि कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता है तो उसे नहीं सुनानी चाहिए। और अगर कोई मानता है किसी धर्म को तो वो अपना माने, अपना इंटरनली माने, वो दूसरों को ज़बरदस्ती उसके सुनाए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, अजान बंद होनी चाहिए? नहीं, सार्वजनिक मतलब लाउड स्पीकर पे बंद होनी चाहिए। आपको अगर पढ़ना है तो आप बंद कमरे में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें। जो लोग मानते हैं, मतलब जो लोग नहीं सुनना चाहते उन्हें ज़बरदस्ती नहीं सुनाई जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।